मैं तो सामने आ जा, द मैं तो सामने आ जा। चलो गाइस, ओ एक नहीं 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 भाई, रिस्पॉन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? स्पेक्टेट वर्ल्ड और टाइटल स्क्रीन, भाई मैं तो सर्वाइवल में खेल रहा था ना। अब हुमांस यार मेरे को स्टार्टिंग से एक ही बात कह रहा था कि अगर एक बार भी हीरो ब्राइन से मरे तो हम रिस्पॉन नहीं हो सकते। इसका मतलब हमारा वर्ल्ड हमारे हाथ से चला गया। भाई ये कैसे पॉसिबल है यार, हम तो सर्वाइवल में खेल लेते। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक एंड भाई आ चुका हूँ मैं फिर से एक और न्यू माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का खतरनाक एपिसोड लेकर। तो गाइस, अगर आपने यार पिछली 5 वीडियोस देखी है तो आपको सब कुछ पता होगा कि हमारे साथ आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और किस तरीके से यार हमारे हाथ से हमारा वर्ल्ड चला गया। मतलब जिस टाइम हीरो ब्राइन ने मुझे मारा ना भाई, सच बताऊँ तो मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था, क्योंकि हमें पता था यार हमने जो अपना पहला वाला वर्ल्ड बनाया था ना उसमें हमने कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा भाई, एक एक फार्म को बनाने में 18-20 घंटे, मतलब भूल गया था मैं भाई बाहर की दुनिया क्या होती है। दिन भर भाई माइनक्राफ्ट के अंदर ही लगा रहता था, फार्म्स के ऊपर डिज़ाइन वगैरह सोचता रहता था और किस तरीके से हम फार्म्स को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं वो सोचता रहता था। और मतलब इस चीज़ में मेरा पूरा साथ हुमांस भी देता था। और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, हीरो ब्राइन आया और देखते देखते यार हमारे हाथ से सब कुछ भाई पानी की तरह निकल गया। अब एक तरीके से ना यार मन नहीं कर रहा वापस से सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने का। अब पिछली वीडियो में यार मैंने आप सभी के कमेंट करे, आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट करे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया मुझे कि भाई नई सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करो, हमने जैसे आपको पहले सपोर्ट करा था हम आपको वापस से ऐसे ही सपोर्ट करेंगे नई सर्वाइवल सीरीज में भी। और गाइज, अगर आप चारों तरफ नज़रें घुमा के देखो तो ये है हमारा न्यू वर्ल्ड माइनक्राफ्ट सर्वाइवल का, और इसी वर्ल्ड में हम अपनी न्यू सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अब जब मैंने यार पिछली वाली माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज स्टार्ट कर दी थी ना भाई, तब मेरे को इतना कुछ खेलना नहीं आता था, लेकिन फिर मैं मिला हुमांस से, उसने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया माइनक्राफ्ट के बारे में, काफ़ी कुछ बताया, और सच बताऊँ तो यार उसी की वजह से मेरे को इतना कुछ माइनक्राफ्ट के बारे में पता चला। तो यहाँ पर यार जो मेरा पहला काम है वो है यार क्राफ्टिंग टेबल प्लस थोड़े बहुत टूल्स बनाना। और इन टूल्स को बनाने के बाद मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ ना कि क्यों ना यार मेरे को विलेज ढूंढने के लिए निकल लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमको स्टार्टिंग में ही विलेज मिल जाता है तो भाई हम काफ़ी ज़्यादा बढ़त बना लेंगे इस वाली सर्वाइवल सीरीज में। बिकॉज हमको ना विलेज से काफी ज्यादा जरूरी आइटम्स मिल जाएंगे जो कि हमको मतलब मिलने में टाइम लगेगा, हमको वहां से बहुत सारा खाना मिल जाएगा, रहने के लिए घर मिल जाएगा, सोने के लिए बेड मिल जाएगा, मतलब काफी ज्यादा जरूरी चीजें मिल जाएंगी और हम अपनी माइनिंग वगैरह भी वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। ओ ओ एक मिनट, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, ये वापस से सब कुछ पहले जैसे हो रहा है भाई, ये कहां गिर रहा हूं मैं? ओ नीचे, एक मिनट नीचे वर्ल्ड है भाई, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है यार भाई, ये कहाँ गया मैं, ये कहाँ गया, ये तो यार मेरे को अपने पहले वाले वर्ल्ड जैसा। ओ हीरो ब्राइन भाई, इस बार गया तू गया, इस बार मेरे हाथ से नहीं बचने वाला तू, बस एक बार पहुंच जाओ मैं, ये मेरे को मार क्यों रहा है, लेकिन गया तू भाई इस बार। ओ कहाँ गायब हो गया, ओ एक मिनट, ये क्या है, ये है क्या, चलता हूँ। ओ ये तो वही टेम्पल है, अब ये सब किया किसने, मैं तो मर गया था लेकिन इस जगह को उड़ाया किसने, हुमांस तो ये कर नहीं सकता क्योंकि वो हीरो ब्राइन के पास है, तो ये किया किसने यार भाई, ये आखिर हो क्या रहा है। एक मिनट, अब ये जगह उड़ गई है, इसका मतलब हीरो ब्राइन ठीक हो चुका है। हीरो ब्राइन भाई, भाई ये सब जो तुमने किया है ना हमारे साथ, ये बहुत ही ज़्यादा गलत किया है, लेकिन उससे पहले मेरा दोस्त है तुम्हारे पास, प्लीज़ यार उसे छोड़ दो। ओह एक मिनट, ये कहाँ गया मैं, ओह एक मिनट, ये तो वही कैसल है, इसका मतलब हुमांस को नीचे होना चाहिए, उसने मेरी बात सुन ली क्या, मैं जल्दी से देखता हूँ जाके। अरे हुमांस तुम तो अभी पीछे, ओह ये क्या हुआ, इधर टूट गया, उसके हार्ट को तोड़ दिया, मैंने उसके हार्ट को तो नहीं तोड़ा, लेकिन यार मेरे को ना उसकी ओरिजिन स्टोरी के बारे में पता चला, और ये पता चला कि वो पहले ना हमारी तरह ही आम इंसान था, लेकिन उसको एक डेमन एम्परर के एक खतरनाक रूम से शक्तियां मिलती हैं, और अगर कोई इस रूम को तोड़ देता है तो वो वापिस से ठीक हो जाएगा और उन शक्तियों के काबू में नहीं रहेगा। तो आपने उसके उस रूम को तोड़ दिया? मैं रूम को तोड़ने गया तो था, लेकिन पता नहीं मैं तोड़ नहीं पाया और मैं वहां पे मर जाता हूँ, लेकिन पता नहीं किसने उस रूम को तोड़ा और वो अब हमारी बातें सुनने लगा है। अरे सच में? हाँ हाँ, अरे हीरो ब्राइन ने जब मेरे को इस वर्ल्ड में वापस लाया ना, तो मैं जब उसके पास गया तो उसने मेरे को डैमेज भी नहीं दिया, और जब मैंने उसको बोला कि हुमांस को मतलब ऐसे छोड़ दो तो उसने मेरे को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया पता नहीं कैसे, और अब देखो तुम आजाद हो और पता नहीं हीरो ब्राइन का चला गया। भाई हीरो ब्राइन, अगर तुम हमारी बात सुन रहे हो ना तो हुमांस को छोड़ने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ हमारा वर्ल्ड भी यार किसी तरीके से हमको वापस कर दो, हमने यार उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया था। इसने तो आपकी बात ही नहीं सुनी, या तो बोलते आपकी बात सुनता है।
अरे हाँ यार, इसने मेरी बात सुनी थी। मैं इसके पास गया था ना, तो मैंने इसको बोला था कि तुम्हें छोड़ दे, तो इसने मेरे को यहाँ पे टेलीपोर्ट कर दिया। पता नहीं बात क्यों नहीं सुन रहा है, और दिखाई भी नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ पे। चलो, ओ ये क्या हो रहा है? ओ मैं, तुम्हारे में भी सब कुछ हिल रहा है क्या? हाँ सब कुछ हिल रहा है भाई। हो क्या रहा है ये? क्या हो रहा है? ओ ओ ये क्या? ओ ओ मैं नीचे गिर रहा हूँ। नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, क्या है? मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, नीचे गिर जाऊंगा मैं भाई। नीचे देखो, अपना वर्ल्ड मिल गया हमें फाइनली। यस यस ओमांस, मैं तुम्हें कह रहा था ना, हीरो ब्रेन मेरी बात सुन रहा है भाई। फाइनली ओ भाई, हमें अपना वर्ल्ड मिल गया भाई। ये सब सच में हो रहा है ना ओमांस? लेकिन हीरो ब्राइन कहीं नहीं दिख रहा है मुझे यार, पता नहीं कहाँ गायब हो गया यार एकदम से। ओ एक मिनट भाई, हीरो ब्राइन वापिस से भाई, इस बार क्या हो गया? ओ एक बुक, क्या है इस बुक में, क्या लिखा है? Use these items to save yourself from me. Go to the past with this time machine and save yourself. समझा नहीं मैं कुछ। ओ ये हेलमेट, ओ ये क्या है? लेकिन लेकिन क्या टाइम मशीन, मैं कुछ समझा नहीं। कौन सी टाइम मशीन? ओ ये क्या है? ये क्या है? फिर से अगेन एक बुक दी। इस बुक में क्या है? You can call me whenever you need any help, Hero Brain. ओ ये क्या है? हीरो ब्राइन ये, अरे कहाँ गायब हो गया? और भाई ये क्या क्या दे के चला गया मुझे? हीरो ब्राइन चेस्ट प्लेट, हेलमेट, बोन डैगर। वो बोन डैगर इसके पास कहाँ से आया? ये तो मेरे मरने के साथ ही चला गया था। और टाइम मशीन, एक मिनट, इसका मतलब जब मेरी और हीरो ब्राइन की उस जगह पे फाइट हो रही थी, और वहां पे मेरे जैसे दिखने वाला बंदा जो आया था वो मैं ही था। मतलब कि मैंने ही पास्ट में जाकर अपने आप को बचाया हीरो ब्राइन की मदद से। भाई थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ में आ गया भाई, वो मैं ही था। और ये सामने, मतलब अगर मैं इस पोर्टल के अंदर घुसूंगा तो सीधा उसी जगह पे निकलूंगा पास्ट में, जहाँ पे मेरी और हीरो ब्राइन की उस टाइम फाइट हो रही थी भाई। और मतलब मुझे अपने आप को जाकर ये सारे हेलमेट वेस्ट वगैरह देने हैं, तो ऐसे करता हूँ इनको लाइन से रख लेता हूँ और वहां पर जाकर भाई उनको दे दूंगा भाई। अलग ही मिस्ट्री चल रही है नेक्स्ट लेवल पे। चलो गाइस अब ये सब मैं ले लेता हूँ। लेकिन एक मिनट यार, एक चीज का जवाब तो मेरे को अभी भी नहीं मिला कि उस टेंपल को तोड़ा किसने, और हीरो ब्राइन भी नहीं बता के गया। चलो तो होप करता हूँ इसका आंसर मुझे मिल जाए, लेकिन अभी के लिए मैं जा रहा हूँ अपने आप को बचाने। चलो गाइस। ओ ये कौन है? ये तो मैं ही हूँ। लेकिन लेकिन दो दो टैडी कैसे? ये क्या? अरे ये कौन सी? अरे हेलो हेलो भाई, भाई तुम कौन हो भाई? अरे अच्छा इस पे कुछ ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम भाई कहां गए तुम? अरे हमांस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? आपके ही वेट कर रहा था। अरे अभी तुम पता यकीन नहीं करोगे, मैं पास्ट में जाके खुद को बचा के आया हूँ। सच में? अरे हाँ। और पता है यार, मतलब मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई ऑलमोस्ट हमारे साथ जो भी हुआ, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही कि आखिर उस डायमंड एम्परर को तोड़ा किसने, क्योंकि मैं तो मर गया था।
ओह चलो गाइस फाइनली घर आ गया भाई, फाइनली हमें अपना वर्ल्ड भी मिल गया। और भाई पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, मतलब थोड़ा डरावना तो था लेकिन ओवरऑल हमें काफी ज्यादा मजा आया। और ऊपर से यार हमें अपना वर्ल्ड वापस मिल गया, एक तरीके से यार हैप्पी एंडिंग होगी तो और क्या चाहिए। मतलब हमें अपना वर्ल्ड मिल गया, होमांस भी वापस आ गया, सब कुछ ठीक हो गया और हीरो ब्रायन भी हमारा दोस्त बन गया। खैर अभी ये मॉब्स मेरे को मार रहे। ओ एक मिनट, ये कौन है, ये कहाँ से आया? इसकी मदद मैं कर देता हूँ इसे मारने में। चल निकल यहाँ से, इसको भी मार देता हूँ। लेकिन ये स्नो गोलम देखे कौन गया भाई, इसको भी मार देता हूँ। अब देखता हूँ ये है कौन भाई, स्नो गोलम कहाँ से आई है। गेट रेडी आई एम कमिंग सून। अरे ये क्या लिखा है, ये लगता है हीरो ब्राइड करके गया है वो मजे लेने के लिए। तो चलो गाइस यही थी यार आज की वीडियो। और भाई फाइनली हमारा हीरो ब्राइन से पीछा छूट गया है। खैर हीरो ब्राइन तो यार अब अपना दोस्त बन गया है। तो गाइस यही थी यार आज की वीडियो, और आने वाले दिनों में काफी ज्यादा तगड़ी वीडियोस आने वाली है और काफी सारे तगड़े तगड़े फार्म्स बनाने वाले हम। और माइनक्राफ्ट के अंदर 1.17 का अपडेट भी आ गया है, तो हम अपने वर्ल्ड को अपडेट भी करेंगे और तगड़े तगड़े फार्म्स बनाएंगे, तो उसके लिए रेडी रहना। तो मैं मिलता हूं आप सभी को फिर से एक और न्यू धमाकेदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट सर्वाइवल सीरीज, पीस। बस अब और कोई खतरा ना है यार। It's all about humanity.